बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मदर्स डे हमने जाना है कि मिसेस पियर्सन के अंदर आत्मा है मिसेस फिट्स की जो कि सही रास्ते पे लाना चाहती है मिसेस पियर्सन के बिगड़े हुए परिवार को और इसके लिए उन्होंने क्या किया है उनके साथ बहुत कठोरता से व्यवहार करना शुरू कर दिया है चलो जानते हैं और क्या क्या हुआ मिसिस पियर्सन के परिवार के साथ जॉर्ज ही सीरियल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और टाइम ट्वाइस तो बच्चों मिसेस पियर्सन ने क्या बोला था कि जॉर्ज का बहुत मजाक उड़ाया जाता है क्लब में तो अब जॉर्ज कह रहा है कि सीरियल तुम तो मेरे साथ क्लब गए हो एक या दो बार दे डोंट लाफ इट मी एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन टू दे वो लोग जो है क्लब वाले वो मुझ पर हंसते नहीं और वो मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं बुलाते या बुलाते हैं सीरियल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स सीरियल क्या है बच्चों अब बहुत शर्मिंदा है और वो हिचकिचाता है अग्रिली. गुस्से से गो ऑन टेल मी टू दे चलो मुझे बताओ बच्चों जॉर्ज अभी भी बोल रहा है चलो मुझे बताओ क्या वो ऐसा करते हैं सीरियल आई सीरियल शर्मिंदा हर बोलता है वेल यस डैड आई एम अफ्रेड यू डेट टू मुझे डर है पिताजी वो ऐसा ही करते हैं जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड तो जॉर्ज क्या कहता है धीरे से एक पहले इधर देखता है फिर उधर देखता है एकदम स्टैगर होके जॉर्ज धीरे से बोलता है वेल आई बी डैम्ड मैं तो डैम्ड हो जाऊंगा स्लोली धीरे से ऑलमोस्ट इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड जैसे कि किसी ने उसके सर पे कोई चोट मार दी हो तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए पहला है एम्बेर एम्बेस्ड यानी कि शर्मिंदा मतलब भय स्लोली मतलब धीरे से सीरियल आफ्टर वॉचिंग हिम गोस सीरियल जब देखता है उनको जाते हुए टर्न्स इनडिजिनेटली वो क्रोधपूर्वक मुड़ता है मिसेस पियर्सन की तरफ और बोलता है नाउ यू शुडन हैव टोल्ड हिम मम तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था उनको मम दैट्स नॉट फेयर ये सही नहीं है यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाया है माइंड टू मेरी भावनाओं को भी मिसेस पियर्सन समटाइम्स इट डज पीपल गोट टू हैव देअर फीलिंग्स हर्ट कई बार ये अच्छा होता है लोगों के लिए कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको चोट पहुँचाई जाए द ट्रूथ ऑटन टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग जो सच है वो किसी को ज्यादा समय तक चोट नहीं पहुँचाता इफ योर फादर डि डेंट गो टू द क्लब सो ऑफन अगर तुम्हारे पिताजी उस क्लब में ज्यादा समय तक नहीं जाते पर हैप्स दट स्टॉप लाफिंग एट हिम तो शायद वो क्या करेंगे वो हंसना बंद कर देंगे उन लोगों पर सीरियल ग्लूम सीरियल एकदम उदासी पूर्वक कहता है आई डाउट इट मुझे इस बारे में संदेह है यानी बच्चों सीरियल को पता है कि उसके पिता का मजाक उड़ाया जाता है और उसे ये भी पता है कि शायद ही क्लब वाले लोग उसके पिता का मजाक उड़ाना बंद करें तो यहाँ पे जो हमने पहला शब्द पढ़ा है वो है इंडिजिनेंटली यानी कि क्रोध से फिर है ग्लूमली यानी कि उदासी पूर्वक मिसेस पियर्सन सीवियरली मिसेस पियर्सन कठोरता से कहती है पॉसिबली यू डू बट वॉट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग तो शायद तुम ऐसा सोचते होगे पर मुझे इस बात का संदेह है कि तुम्हारा ये जो विचार है ये लेने लायक है वॉट डू यू नो तुम्हें क्या पता है नथिंग कुछ नहीं

आई वुडेंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ मुझे बुरा नहीं लगता अगर तुम सच में खुद को खुश रख रहे होते बट आर यू पर क्या तुम ऐसा कर रहे हो एंड वेयर इज इट गेटिंग यू और ये खुश रखना तुम्हें कहाँ ले जा रहा है द इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट और फिर बच्चों इस नाटक में एक तेज़ जल्दी में खटखटाहट सुनाई देती है दस्तक सुनाई देती है लेफ्ट की तरफ तो बच्चों क्या शब्द है यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा वो है सीवियरली severely यानी कि कठोरता से sulkily यानी कि नाराजगी से enjoy यानी कि आनंद serial might be for me else मेरे लिए होगी शायद वो दस्तक मैं जाके देखता हूं serial hurries out left serial जल्दी से लेफ्ट की तरफ जाता है in a moment he reenters और एक ही क्षण में वो वापस आता है closing the door behind him दरवाजा बंद करते हुए अपने पीछे It's that silly old bag from next नेक्स्ट Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? तो क्या बोलता है कि वो पुरानी सिली यानी मूर्ख और वो बूढ़ी महिला हैं पड़ोस की मिसेस फिटचैरल क्या तुम उनसे नहीं मिलना चाहती मिलना चाहती हो तो बच्चों वो जो मिसेस फिटचैरल आई है ना हम जानते हैं कि असल में उनके अंदर आत्मा है मिसेस पियर्सन की तो अब मिसेस पियर्सन जिनके अंदर आत्मा है फिट की वो कहती है शार्पली एकदम कठोरता से सर्टनली निश्चित रूप से आई डू मैं मिलना चाहती हूँ आज खर उन्हें अंदर बुलाओ एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग इधर और उनको एक मूर्ख ओल्ड बैग मत बुलाओ शी इज अ वेरी नाइस वुमेन वो एक बहुत अच्छी महिला हैं विद अ लॉट मोर सेंस देन यू लेव हैव और उनमें बहुत ज्यादा समझ है जितनी तुम में कभी होगी तो बच्चों क्या क्या शब्द है देखिए पहला है शार्प शार्प यानी कि तेज या फिर तीव्र हरीड यानी कि जल्दी में नॉकिंग यानी दस्तक हरीज मतलब जल्दी से जाना शापली यानी कि कठोरता से सर्टनली यानी कि निश्चित रूप से और सिली यानी कि मूर्ख सीरियल एग्जिट्स लेफ्ट सीरियल निकल जाता है बाहर लेफ्ट से मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट मिसेस पियर्सन समाप्त करती है अपनी स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स अपने होठों से उस स्टाउट का स्वाद लेते हुए सीरियल री एंटर्स लेफ्ट सीरियल वापस से लेफ्ट से वापस आता है श्रिंक इन मिसेस फिट्सरल वो पर, प्रवेश करवाते हुए मिसेस फिटचरल का हु हेजिटेट्स इन डोरवे जो कि झिझक रही हैं हिचकिचा रही हैं दरवाजे पर कम इन कम इन मिसेस फिटचरल अंदर आइए अंदर आइए मिसेस फिटचरल तो अब मिसेस फिटचरल के अंदर आत्मा मिसेस पियर्सन की है ना तो वो तो घबराई आवाज़ में बात करेंगी तो क्या बोलती है मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एनशियसली मिसेस फिट्सैरल आकुलता के साथ में लेफ्ट सेंटर की तरफ आती हैं और बोलती हैं आई जस्ट वंडर्ड मैं तो केवल सोच रही थी इफ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट क्या सब कुछ ठीक है सीरियल सल की तो सीरियल बिल्कुल नाराजगी से बोलता है नो इट इज एंट नहीं ऐसा नहीं है तो बच्चों अब मिसेस फिट्स जैरल यानी कि असली मिसेस पियर्सन भी कमरे में मौजूद है अब और क्या करेंगी मिसेस पियर्सन के अंदर मौजूद फिट्स की आत्मा अभी जानते हैं बच्चों देखिए पहले देखते हैं फिनिशेस का मतलब Finishes यानी कि खत्म करना फिर है स्मैकिंग स्मैकिंग यानी कि स्वाद लेते हुए अश्रिंग मतलब प्रवेश करवाते हुए यानी कि हिचकिचाना, यानी कि आकुलता के साथ सल्की यानी कि नाराजगी से मिसेस पियसन शार्पली एकदम कठोरता से बोलती हैं, ऑफ कोर्स इट इज यू बी क्वाइट सब कुछ ठीक है तुम चुप रहो सीरियल इंडिजिनेंटली एंड लाउडली सीरियल बिल्कुल क्रोध और चोल से बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट मैं चुप क्यों रहू मिसेस पियर्सन शाउटिंग अब मिसेस पियर्सन चिल्ला रही हैं बच्चों वो बोलती हैं बिकॉज आई टोल्ड यू यू सिली स्पॉइ यंग पीकन क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा कहा है तुम मूर्ख बिगड़े हुए यंग पीकन मूर्ख व्यक्ति मिसेस फिचरल प्रोटेस्टिंग नर्वसली अब फिटरल यानी कि असली मिसेस पियर्सन मौजूद है ना तो वो विद्रोह करती हैं नर्वसली घबराते हुए ओह नो श्योरली अरे नहीं श्योरली निश्चित रूप से मिसेस पियर्सन नर्वसली अब मिसेस पियर्सन नर्वसली बोलती हैं नाउ मिसेस फिचरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज मिसेज फिचरल मुझे मेरे परिवार को खुद संभालने दो मेरे तरीके से मिसिज फिचर्ड यस बट सीरियल हाँ वो तो ठीक है पर सीरियल तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए पहले देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला है शार्पली शार्पली यानी कि कठोरता से इंडिजिनेटली मतलब क्रोध से लाउडली मतलब जोर से शाउटिंग यानी कि चिल्लाते हुए सिली मतलब मूर्ख स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ा हुआ पीकन यानी मूर्ख प्रोटेस्टिंग यानी कि विद्रोह करते हुए और नर्वसली यानी कि घबराते हुए अच्छा बच्चों यहाँ पे जो शब्द था वो था श्यार्ली पर श्यार्ली का मतलब कठोरता से नहीं होता जो श्यार्ली का मतलब है क्या वो है वो होता है निश्चित रूप से सीरियल सल्किली एंड ग्लोबरिंग तो सल्कि क्या करता है सीरियल उदासी से और गुस्सेल निगाह से देखते हुए बोलता है मिस्टर सीरियल पर्सन टू यू मिसेस प्लीज मिसेस फिटचैरल्ड तो क्या बोलता है मेरा नाम मिस्टर सीरियल पियर्सन है मिसेस फिटचैरल्ड सीरियल स्टॉक्स ऑफ इन टू द किचन और यू बोलते हुए सीरियल गुस्से में चला जाता है रसोई में अब मिसेस फिटचैरल्ड मूविंग टू द सिटी विस्परिंग वो सिटी के पास आती हैं फुस, फुस हुए कहती हैं ओह डियर वट्स हैपनिंग अरे ये सब क्या हो रहा है मिसेस पियर्सन बोलती है कामली शांति से थिंग मच ज्यादा कुछ नहीं जस्ट पुट दम इन देर प्लेस इज्स ऑल मैं तो बस उन लोगों को उनकी जगह दिखा रही हूँ वही कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था जॉर्ज होम वो पूछती है कि जॉर्ज घर पर आ गया She sits beside Pearson on the city. और फिर वो सिटी मिसेस पियर्सन के पीछे बैठ जाती है सिटी पे पास में बैठ जाती है बिसाइड बोला है ना बच्चों पास में तो ये देखिए जो मीनिंग्स हमने पढ़े हैं सबसे पहला है कि उदासी से ये क्या बच्चों उदासी से <coughs> फिर है ग्लोबरिंग ग्लोवरिंग यानी कि गुस्सेल निगाह से देखते हुए स्टॉक्स ऑफ यानी कि गुस्से में जाना विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए तो मिसेस पियसन कहती है यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब हाँ वो आ चुका है और मैं उसको बता चुकी हूँ कि वो उसके बारे में यानी वो लोग जो क्लब में मौजूद है वो क्या सोचते हैं उसके बारे में मिसिस फिचर वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे बोलती है कि वो उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं ऐसा नहीं है ना मिसिज पियर्सन। नो दे डोंट एंड नाउ ही नो इज नोज इट तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं वो ऐसा नहीं सोचते और अब ये बात जॉर्ज को पता चल गई है तो मिसेस फिट नर्वसली वापस से घबराते हुए बोलती है ओह डियर आई विश यू मिसेस मैं विश, आ, विश करती हूँ मैं आशा करती हूँ कि आपने ऐसा नहीं कहा होता मिसेस फिट तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं नॉनसेंस, बकवास, बकवास डूइंग all ऑल वर्ल्ड ऑफ गुड उनको बता देना उनके लिए ही अच्छा है एंड दे बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स यू विल सी और तुम देखना वो बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ से खाना खा रहे होंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या शब्द हैं हम देखते हैं कि पहला शब्द है नर्वसली यानी कि घबराते हुए फिर है नॉनसेंस, यानी कि बकवास मिसिज फरल बोलती है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड मैं नहीं समझती कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ से खाना खाएं। मिसेस पियर्सन इम्पेश मिसेस पियर्सन अधीरता से कहती हैं वेल वॉट एवर यू वॉन्ट चलो तुम्हें जो भी चाहिए दिल बी डूइंग इट वो वैसा ही करेंगे ऑल थ्री ऑफ देम वो तीनों मार्कमा वर्ड्स मेरे शब्दों को याद रखना मिसेस पियर्सन तो बच्चों काफ़ी हद तक आ, मिसेस पियर्सन के अंदर मौजूद फित्स जैनल की आत्मा को लग रहा है कि उन्होंने सुधार दिया है उन तीनों बिगड़े हुए परिवार वालों को पर अभी भी एक आखिरी बात होनी बाकी है जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में